नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। यूपी के प्रतापगढ़ जिले से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता को बदमाशों ने फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद से यूपी की सियासत में खलबली मच गया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, बदमाशों ने भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता से जान बचाने के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की है। मामले को लेकर भाजपा सांसद ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता रविवार रात अपने वाहन से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने प्रयागराज जा रहे थे। मालका के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के करीब बगल से गुजरते हुए अज्ञात वाहन सवारों ने उन्हें धमकी देते हुए गाली गलौज की। इस पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी तो वाहन सवार आरोपी वहां से भाग निकले। वहीं घटना के संबंध में भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने आईजी प्रयागराज केपी सिंह को फोन कराया। आपको बता दें कि रात करीब 9:30 बजे जंक्शन के प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर सांसद संगम लाल गुप्ता सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बताया कि आवास पर पहुंचने के बाद करीब 9:30 बजे उनके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया और धमकी देते हुए उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। उसके बताए पते पर पहुंचने की बात कही गई है। आपको बता दें कि संगम लाल गुप्ता ने बताया कि फिरौती न देने पर बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। वहीं मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण प्रकरण की जांच एंटी टेररिस्ट सेल को दी गई है। इस मामले में पुलिसकर्मियों ने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर सांसद संगम लाल गुप्ता से घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी लिया है। आपको बता दें कि संगम लाल गुप्ता को धमकी दिए जाने के बाद से यूपी की सियासत में खलबली मच चुका है। संगम लाल गुप्ता वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले से भाजपा के सांसद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।